क्या आप लोग को पता है कि वर्ल्ड में यानी कि पूरे भारत में हम लोग बोल सकते हैं जितना भी गाड़ी है, गाड़ी तो आप लोग जानते हैं आदमी से आजकल ज़्यादा गाड़ी होने लगा है, लेकिन आप लोग कभी इस बात पर जिक्र किए हो कि जितना भी बाइक होते हैं बाइक तो वो सब मोटरसाइकिल वो सब ओनली पेट्रोल से ही क्यों चलता है? व्हाट रीजन? उनमें डीजल भी डाला जा सकता है एंड फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो कि फोर व्हीलर एंड उससे अधिक वाले जो गाड़ी होते हैं बड़े बड़े तो वो सब भी पेट्रोल से क्यों नहीं चलता है, वो डीजल से क्यों चलता है? व्हाट रीजन? तो आप लोग को इस वीडियो में जानूंगा ऐसे ही फैक्ट जो कि आपको पता नहीं होगा, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप आसानी से उस आउट वाला नॉलेज का वीडियो जो रहेगा उसको आप वॉच कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में, जैसे कि आप हम बताएं कि जो मोटरसाइकिल है वो डीजल से क्यों नहीं चलता एंड जो फोर व्हीलर या उससे अधिक होते हैं तो वो पेट्रोल से क्यों नहीं चलता है, व्हाट रीजन? तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ना तो वो है क्या जो कि होता है ना जो इंजन होता है फोर व्हीलर और टू व्हीलर में, दोनों में इंजन होता है, इंजन कैपेसिटी एक होता है सीसी जो कि आप बोल सकते हैं 100 सीसी या फिर 200 सीसी वो होता है, और एक होता है कंपेरिजन रेशियो मतलब क्या होता है अनुपात। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ना तो फोर व्हीलर का उसका 24:1 होता है यानी कि 24:1, और अगर हम बात करेंगे कि जो टू व्हीलर का होता है ना टू व्हीलर का उसका होता है 11:1 यानी कि 11:1 मतलब एक तो उसका होता है। लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या ये क्या है ये अनुपात क्या है, तो हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो अनुपात है तो जो 11 पॉइंट इतना है तो उसका कैपेसिटी बहुत ही कम है जो कि वो ज़्यादा लोड मतलब ज़्यादा भारी वजन वाला चीज़ खींच नहीं सकता, उसका क्षमता बहुत ही कम होता है, क्षमता मतलब उससे पावर कम रहता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो कि कार, छोटे छोटे कार में पेट्रोल से चलता है लेकिन बड़े बड़े कार फोर व्हीलर में नहीं चलता है। एक रीजन यहाँ भी हो गया इंजन का, तो जो होता है ना फोर व्हीलर का इंजन वो काफ़ी वजनदार होता है, उसका कभी काफ़ी स्पेस लेता है, स्पेस मतलब क्या जगह भी उसके लिए बहुत बड़ा चाहिए, और जो कि टू व्हीलर के लिए ये असंभव है, संभव नहीं है क्योंकि उतना बड़ा जगह टू व्हीलर में है ही नहीं कि उतना बड़ा इंजन को वहाँ सेट कर सके। तो यहाँ पर बात करेंगे जो कि ये फोर व्हीलर में क्यों नहीं लगाया, फोर व्हीलर में लगा देते लेकिन फोर व्हीलर उतना लोड वाला गाड़ी जो होता है ना सामान वो माल लेकर नहीं जा सकता है क्योंकि उतना उसका कैपेसिटी नहीं रहता है कि वो उतना वजन लेकर चल सके, इंजन का कैपेसिटी होता है जो हम बोले सीसी तो वो ऐसा होता है। पर आप ये भी देखे होंगे जो महंगे बाइक होते हैं तो वो काफ़ी बड़े बड़े सीसी के होते हैं, जैसे 1000 सीसी का होता है या फिर 900 सीसी का होता है तो वो काफ़ी भारी गाड़ी होता है, वजनदार गाड़ी होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो चलिए ये एक तरह से हुआ एक नंबर का जो हुआ ना पॉइंट। नंबर टू, आप लोग ये भी देखे होंगे कि वर्ल्ड में छोड़िए हम लोग भारत ही का बात करते हैं तो भारत में जितना जनसंख्या है हर एक के पास लगभग 90% घर में क्या है बाइक है, तो बाइक का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अगर सारे बाइक में डीजल का व्यवस्था कर दिया जाए तो पता है आपको कि कितना प्रदूषण होगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब उपयोग होगा, कितना प्रयोग होगा, तो ये आप लोग को पता नहीं है ना। तो बाइक में सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब उत्पन्न करता है, और हम बाकी गाड़ियों का बात करेंगे ना तो वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 90% वही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं ये भी एक तुलना से, क्योंकि भारत सरकार देखते हुए काम को कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें कि जो कि अभी बाइक हर एक घर में उपस्थित है तो इसलिए बाइक डीजल से नहीं लगाया गया। अब हालांकि कुछ दिन बाद अगर आगे हम लोग बात करेंगे 2050 या 2080 के बाद तो तब तक के लिए सारे गाड़ी है ना जो कि पेट्रोल से एंड लाइन से चलने का कैपेसिटी हो जाएगा, जैसे कि अभी भी कुछ बैटरी वाला गाड़ी आ ही चुका है तो आने वाले दिन में हो सकता है कि और भी खतरनाक आ जा सके और डीजल पेट्रोल का प्रयोग ना हो, जिससे कि हमारे भारत स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा टाटा, जय हिंद जय भारत।